हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और नवरात्रि में मैं आपको आज माता रानी के दर्शन करवाने वाला हूं। आज मैं वृंदावन धाम में आया हूं और वृंदावन के माँ वैष्णो देवी मंदिर में आज आपको लेकर के चलूँगा और दर्शन आपको करवाऊँगा। नवरात्रि के पहले दिन आपको दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे जरूर लगा लेना, फैमिली फ्रेंड के साथ सबके साथ में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो जो है माता रानी को समर्पित है और मैं फ़िलहाल अभी मेरो वृंदावन गेट पर खड़ा हूँ, तो पहले आपको अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ, फिर हम चलेंगे अंदर मंदिर के। तो दोस्तों, पर्ची बनवाने के बाद में, सामान जमा करने के बाद में हम लग चुके हैं लाइन में और यहाँ पर हमारी चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि कहाँ से किधर जाना है। यहाँ देख सकते हैं मंदिर का पहला परिसर है। मंदिर के कई सारे परिसर हैं जो हम आगे देखेंगे। मंदिर की महत्वपूर्ण चीज़ है मंदिर के अंदर बनी गुफा। तो अभी फ़िलहाल मंदिर पर ऊपर चलते हैं। अलग तरीके से रास्ता बनाए गए हैं, जैसे पहाड़ों पर रास्ता होते हैं, ऊंचाई पर फिर नीचे जाना है, फिर ऊंचे जाना है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मंदिर को डेकोरेट किया गया है। यहाँ आकर के आपको बहुत ही स्पेशल भक्ति वाली फीलिंग आएगी और यहाँ से आप जैसे जैसे आगे चढ़ोगे, आप माँ के कदमों की तरफ बढ़ते जाओगे और आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और हम प्यारी सी मुस्कान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको छठी करा से वृंदावन की तरफ 300 मीटर पैदल चलना होगा। दूर से ही माँ वैष्णो देवी की मूर्ति आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और ये मंदिर का दूसरा परिसर हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अभी फ़िलहाल भीड़ कम है, मंदिर को डेकोरेट किया जा रहा है, सजावट अभी चल रही है, पूरी तरह से मंदिर अभी तैयार नहीं किया है, अभी काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा परिसर है मंदिर का। और मंदिर में जैसे ही हम इस परिसर में जाएंगे तो एक कोने पर माँ यमुना जी की हमें यहाँ पर मूर्ति मिलेगी। यमुना माँ के दर्शन करने के बाद में दूसरे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर गंगा मैया की मूर्ति मिलेगी और इधर मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। तो फिलहाल हम मंदिर में अंदर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाएंगे। और यहाँ डेकोरेशन हो रही है मंदिर की। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले कोने पर ही लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है, यानी कि मंदिर को भूमि पूजन से लेकर के मंदिर के बनने तक का पूरा यहाँ पर फुटेज लगे हुए मिलेंगे कि कैसे कैसे इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, छोटे से लेके बड़े तक एक एक यहाँ पर मंदिर का जो कार्य है वो कवर किया गया है। और कितनी मुश्किल से ये मंदिर बना था, कितनी यहाँ पे मेहनत लगी थी इस मंदिर को बनाने में, तो यहाँ पर आप सब कुछ देख पाएंगे। तो मंदिर में दर्शन करने से पहले आप इस म्यूजियम में ज़रूर घूम लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और देखने को मिलेगा कि मंदिर का आखिर निर्माण हुआ कैसे था। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो शेयर ज़रूर कर देना। और इसी म्यूजियम में आपको माता वैष्णो देवी की छोटी सी मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। मंदिर में से, म्यूजियम में से निकलने के बाद में अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, यहाँ माता जी की मूर्ति लगी हुई है। घंटा बजाने के बाद में हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर का नज़ारा आप देखोगे तो अद्भुत नज़ारा है। अलग ही शीतलता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी और आप हमारे चेहरे पर ये मुस्कान देख सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि मंदिर के अंदर AC लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शीतल वातावरण है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो फिलहाल हम मंदिर के अंदर हैं और आप अब आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं। पहले इस मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल,
अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि बेल्ट भी अलाउड नहीं थी। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल गई है और यहाँ माता जी के दर्शन कर सकते हैं। अब मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड है, हालांकि हमारा कैमरा अलाउड नहीं हुआ था तो कैमरे को हमने जमा कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब फोटोग्राफी पर भी यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले यहाँ पर फ़ोटो खींचने पर थोड़ा प्रतिबंध था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं, अच्छे से आप दर्शन कर सकते हैं। हमने भी अच्छे से दर्शन किए हैं और आपको भी करवा रहे हैं। तो एक बार जय माता जी ज़रूर बोल देना। मंदिर में माता जी के दर्शन करने के बाद में हम अब बढ़ते हैं आगे। और मंदिर में गोल गोल एक परिसर बनाया गया है परिक्रमा टाइप का, और दीवालों पर अलग अलग लीलाओं की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अलग अलग मूर्तियां और झांकियां बनाई गई हैं, जो आप देखोगे तो अद्भुत लगेंगी देखने में और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी और ज्ञान मिलेगा। और अद्भुत नज़ारा आप देखोगे, आपका मन नहीं करेगा इस मंदिर से बाहर जाने का। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा मंदिर का परिसर है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है। और अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको दिखाएंगे। पहले तो हम जाएंगे माँ वैष्णो देवी की जो बड़ी सी मूर्ति है, सॉरी, उसके चरणों की तरफ चलेंगे। बड़ी सी मूर्ति है, वहाँ चलेंगे। और वहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गुफा के अंदर। यहाँ पर गुफा बनी हुई है, जैसे कि पहाड़ों पे माँ वैष्णो देवी की गुफा है। गुफा के अंदर होकर के हम जाते हैं। गुफा के अंदर हमें 9 देवियों के दर्शन होंगे। अद्भुत उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा कि उनका अवतार कैसे हुआ था, किसको मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया था और कौन सी देवी है। तो सारी जानकारी आपको अलग अलग मूर्ति में वहाँ पर मिलेगी। तो गुफा को मिस मत करना, ज़रूर देखना। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अद्भुत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी फीलिंग आएगी कि हम असली वाली गुफा में घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम मंदिर से अब बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमने दर्शन कर लिए हैं, माता रानी के आशीर्वाद ले लिया है। और मंदिर का ये निकास द्वार है, एक प्रवेश द्वार था जिससे हम अंदर गए थे। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो मंदिर से थोड़ा सा बाहर आएंगे हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, एक तरफ यमुना मैया है, एक तरफ गंगा मैया है। तो यहाँ से हम गंगा मैया जिधर की साइड है, उधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होकर के जाएंगे। पहले जब आए थे तो अब ऊपर चढ़े थे, सीढ़ियों से होकर के आए थे। अब दूसरी तरफ से हम सीढ़ियों से होकर ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देखेंगे ऊँचाई से, तो बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा लगेगा। यहाँ से आप माता जी की मूर्ति को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण इनमें आ जाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें गुफा में जाना है। तो इस तरीके से यहाँ के रास्तों को डिजाइन किया गया है कि कोई भी भटके ना। हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिधर जाना अलाउड नहीं है उधर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जगह जगह पर लिखा हुआ है कि आपको किधर से किधर जाना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो हम फिलहाल अब नीचे की तरफ जाएंगे, उतरेंगे, उसके बाद में हम गुफा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर जो आप सामान जमा करते हो ना, उसकी पर्ची का आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है, तब आप सामान जमा कर पाते हो। बाकी आप अंदर आ जाओगे, अंदर आने की कोई फीस नहीं है। हालांकि आपके पास में अगर सामान है तो आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा आप कहाँ से आए हो, मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये गुफा की एंट्री गेट है, यहाँ पर हम अंदर चलेंगे। गुफा में थोड़ा सा अंधेरा मिलेगा, जैसा कि गुफाओं में होता है। तो फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जय माता दी लिखी है, तो आप भी जय माता दी बोल देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अंधेरा है, और गुफा में हमें पहली मूर्ति जो देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी गणपति बप्पा की, क्योंकि कोई भी कार्य शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा की आराधना की जाती है। यहाँ से हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें माता शेरावाली की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत तरीके से मूर्ति को डिजाइन किया गया है, सजाया गया है, और यहाँ इनके बारे में लिखा गया है, इनके अवतार के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ देख सकते हैं, गुफा अभी सूखी है। आम दिनों में यहाँ पर पानी रहता है, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं माता शैलपुत्री है, और ये नवरात्रि में पहला इन्हीं का उपवास होता है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें एक और मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे माता ब्रह्मचारिणी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, और नवरात्रि के दूसरे दिन इन
इनकी पूजा की जाती है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप माँ चंद्रघंटा के दर्शन करेंगे। इनके बारे में भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको और मैया के दर्शन होंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ माँ कुष्मांडा के आपको दर्शन होंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा हो चुका है क्योंकि गुफा में अंधेरा ही होता है। तो देख सकते हैं आप, लोग हैं कुछ कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जय माता दी बोल के हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ अब बढ़ेंगे। यानी कि अभी हमें गुफा में होकर के ऊपर जा रहे हैं, और गुफा से होकर ही हम मंदिर के बाहर आ सकते हैं। इस तरीके से रास्तों को यहाँ के को डिजाइन किया गया है कि एक तरफ से हम जाएंगे और दूसरी तरफ से होकर के हमें वापस आना पड़ेगा। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर का जो नज़ारा होगा ना, बहुत शानदार होगा, क्योंकि अभी हम जो बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी माँ वैष्णो देवी के, उसके बिल्कुल ठीक नीचे पहुँच जाएंगे, उनके चरणों में, उनके पैरों में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से मंदिर का देखने का नज़ारा जो है वो काफ़ी अद्भुत होने वाला है। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं और देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे अगर आप बुजुर्ग हैं तो चढ़ने में दिक्कत होगी, इतना भी ऊंचा नहीं है, मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है गुफा की तरह से, पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जैसे ही हम गुफा से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर एक शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, वाओ। तो जय माता दी बोल के फटाफट से लगा लेते हैं परिक्रमा मूर्ति की। तो परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया है ऊपर होकर के, और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से यहाँ पर ये डिजाइन किया गया है। तो नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है यहाँ पर इस मंदिर में, तो आप आएँ तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। मंदिर के खुलने का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर में 1 बजे तक मंदिर खुलता है, और शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सुबह की शिफ्ट में मंदिर में दर्शन करें, और हमारी प्यारी सी स्माइल आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के आपको अलग ही खुशी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अपनी परिक्रमा करेंगे पूरी, और अभी आपको मंदिर से ऊपर, हम बहुत ऊंचे स्थान पर हैं अभी, यहाँ से मंदिर के नीचे का हिस्सा दिखाएंगे जो कि काफ़ी आपको खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे गुफा से होते हुए, और भी माता रानी के दर्शन आपको करवाएंगे। पहले हम मूर्ति के दर्शन करवा देते हैं, जो कि हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो यहाँ से देखने का नज़ारा जो है काफ़ी अद्भुत होगा, और जय माता दी बोल करके आप मैया रानी के दर्शन कर सकते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो व्हाट्सअप के स्टेटस पे जरूर लगा लेना हमारे वीडियो को, और यहाँ आप मंदिर से ऊपर का नीचे का नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से। तो अभी हम गुफा के अंदर चल रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं गुफा के अंदर, और यहीं से होकर के अब हमें बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद में हमें स्पेशल यहाँ से प्रसाद मिलेगा, जिसका हमें कुछ भी पे नहीं करना है, वो फ्री है। और भी हम अब आपको फव्वारा दिखाएंगे, जो कि अभी चालू हो चुका होगा, क्योंकि अभी समय हो चुका है फव्वारा चालू होने का, तो वो भी देखने लायक है। तो आप वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं सब लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम देख सकते हो आप गुफा के अंदर हैं, अंधेरा है यहाँ पर, और चेहरे पर अलग स्माइल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शीतलता है यहाँ पर, ठंडक है बहुत। और हम जैसे ही गुफा में अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हमें माता रानी के दर्शन होंगे, और यहाँ आप स्कंद माता के दर्शन कर पा रहे हैं। नवरात्रि के चौथे दिन स्कंद माता की पूजा होती है। अब माँ कात्यायनी के आपने दर्शन करे हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें माता कालरात्रि के दर्शन होंगे, इन्हें काली माता भी बोलते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ आपको दर्शन हो रहे हैं माता रानी के, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इन माँ का नाम है महागौरी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माता रानी को, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, इनका नाम है सिद्धिदात्री। और माता रानी के दर्शन करने के बाद में आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने होते हैं, तो भैरव बाबा के भी आपको दर्शन होंगे यहाँ पर। तो सबके बारे में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये 9 देवी थी, गणेश जी थे, माँ वैष्णो देवी थी, और भैरव बाबा थे। तो गुफा के अंदर हमें बहुत सारी मूर्तियाँ
देखने के लिए मिली, उनके बारे में जानकारी मिली, पढ़ने के लिए मिला, बहुत सारी जानकारी हमें मिली। तो अब फिलहाल हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये फव्वारा चल रहा है। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो ये कलरफुल हो जाएगा, इसमें कलर भी आएंगे, कलरफुल इसका पानी हो जाएगा। तो फिलहाल हम बाहर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं आप कि मंदिर में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ हो जाएगी क्योंकि हम ऐसे समय पर आए थे जब भीड़ नहीं है। अब हम आपसे करते हैं टाटा बाय बाय, और हमें मिल चुका है माता रानी का प्रसाद। इसमें एक पैकेट में तो हमें एक रुपया मिलेगा जिस पर माता रानी की तस्वीर बनी होगी, और एक पाउच में हमें यहाँ पर प्रसाद मिलेगा जो कि मिश्री का होगा, तो वो भी हमें मिलेगा। तो सौभाग्य की बात है, हमें प्रसाद भी मिल गया, दर्शन भी हो गए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी अच्छे से माता रानी के दर्शन किए होंगे। और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, और अपने दादा दादी सबको दिखाना। और वृंदावन का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, यहाँ आने के लिए आपको पूरी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।